साहब तो रानी के पेट का ऑपरेशन करके चले गए थे, राजा का बेटा राजा नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र में 85% वाला राजा बनना चाहिए था, लेकिन वो 15% वाला शासक बन के इसलिए बैठा है कि हमारे तमाम मंच के साथियों ने कहा कि ये बहुजनों का सामाजिक बिखराव, बहुजनों का सामाजिक बिखराव हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है और सामने वाले की सबसे बड़ी ताकत है। बाबा साहब ने जहाँ से शुरुआत की इस देश के वंचित बहुजनों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, सामने वाले ने वहीं से आपको जहाँ से बाबा साहब उठा करके लाए थे वहीं पहुँचाने की शुरुआत कर दी है। आज पूरे देश में जात वर्ग धर्म संप्रदाय के नाम पर जब देश में नफरत फैलाई जा रही हो, इंसान से इंसान और भाई से भाई को बांट करके इस समाज को विकृत किया जा रहा हो, उस समय तथागत बुद्ध की विचारधारा आज बहुत सार्थक सिद्ध हो जाती है।